हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मिठी। इस वीडियो में हम 14 सितंबर के अचीव आईएएस के प्रिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हमने टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी डाले थे, चलिए एक्सप्लेनेशन में आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट्स अंडर आर्टिकल 26 आर सब्जेक्ट टू आर्टिकल 26। अनुच्छेद 26 के अंदर जो अधिकार हैं, मूलभूत जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें क्या क्या ग्राउंड्स लग सकते हैं रेस्ट्रिक्शन पे, मतलब क्या रेस्ट्रिक्शन उन पे लग सकते हैं, किन किन ग्राउंड्स पे लग सकते हैं। पहला है पब्लिक ऑर्डर, बिल्कुल सही। दूसरा है मॉरलिटी, बिल्कुल सही। तीसरा है हेल्थ, बिल्कुल सही। चौथा है कि और फंडामेंटल राइट्स के नाम पर भी रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, तो ये गलत है। अब आपको बात बताता हूँ, फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 रिलीजन से रिलेटेड है, 25 भी रिलीजन से रिलेटेड है, लेकिन आर्टिकल 26 आपके 26 रिलीजियस डोमिनेशन से रिलेटेड है, ग्रुप से रिलेटेड है। आर्टिकल 25 आपका इंडिविजुअल जो रिलीजियस जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए है वो। तो आर्टिकल 25 में भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, आर्टिकल 26 में भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा जो आर्टिकल 26 में रेस्ट्रिक्शन है उनमें और फंडामेंटल राइट्स के नाम पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जा सकते। जैसे आर्टिकल 25 में आप कोई भी धर्म का पालन करते हो तो पब्लिक ऑर्डर के तहत, उस मॉरलिटी के तहत और हेल्थ के तहत, नैतिकता, स्वास्थ्य और पब्लिक ऑर्डर के तहत रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, साथ ही साथ और फंडामेंटल राइट के नाम पर भी लग सकते हैं। ठीक है, उस जैसे मान लो कि इक्वालिटी के नाम पे लग सकता है या किसी और चीज़ के नाम पे लग सकता है आर्टिकल 25 में, लेकिन आर्टिकल 26 में ऐसा नहीं है। तो ये इस बार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था, क्योंकि जो वुमेन के राइट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े होते थे मंदिरों में, कि कई मंदिर हैं जिनमें वुमेन की एंट्री अलाउ नहीं थी, तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस बताए जाते थे कि इक्वालिटी जो है उसके नाम का रेस्ट्रिक्शंस लगता है कि आर्टिकल 26 में, तो वो नहीं लग सकता क्योंकि पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ के नाम पे ही लग सकता है आर्टिकल 26 में रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि आर्टिकल 26 में किसके राइट्स हैं, ग्रुप्स के। एक मंदिर जो होता है जिसमें जो पुजारी होते हैं, जो पूजने वाले होते हैं भगवान के, वो एक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो उनमें उनकी जो प्रैक्टिस है उन पर आप ये तीन चीज़ों पर ही रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। 1, 2, 3, 4 नहीं है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वार और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट के बारे में चैप्टर पढ़िएगा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सी कास्ट या कौन सी ट्राइब एससी एसटी कहलाएगी, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। अ कास्ट नोटिफाइड एससी, जो भी कास्ट को एससी बताया गया है, हो सकता है वो किसी एक स्टेट में एससी हो और किसी स्टेट में दूसरे स्टेट में नहीं हो, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और काफ़ी बच्चों ने सही किया है। देखिए, इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ आपको। प्रेसिडेंट गवर्नर से कंसल्ट करके बता देता है कि कौन सी कास्ट होगी वो शेड्यूल कास्ट होगी, और कौन सी शेड्यूल ट्राइब होगी, कौन सी रेस शेड्यूल ट्राइब होगी। पार्लियामेंट की कंसल्ट लेनी जरूरी है अगर आप कोई एक्सक्लूड करते हो, कोई इंक्लूड करते हो, कोई भी शेड्यूल कास्ट या कोई भी जो भी चीज़ है, तो स्टेट्स अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते, नोटिफाई प्रेसिडेंट करता है, नोटिफाई प्रेसिडेंट करता है। पार्लियामेंट की कंसल्ट लेनी जरूरी है, स्टेट्स अपने आप नहीं कर सकते हैं, और हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन तो बताएगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया है, प्रेसिडेंट करता है आइडेंटिफाई कौन सी कास्ट को कहना चाहिए एससी और कौन सी को नहीं, लेकिन एसटी में भी यही होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एक स्टेट में जो एससी है वो हो सकता है किसी और स्टेट में एससी नहीं हो, ठीक है। तो गवर्नर से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट आइडेंटिफाई कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्समेंट्स आर करेक्ट अबाउट रेयर डिसीज़। रेयर डिसीज़ क्या होती है, ऐसी बीमारी जो बहुत कम लोगों को होती है, गंभीर रूप से होती है लेकिन बहुत कम लोगों को होती है। आर रेयर डिसीज़ आल्सो रिफर टू एज ऑर्फन डिसीज़। रेयर डिसीज़ को ऑर्फन डिसीज़ भी कहते हैं, बिल्कुल सही।
एक ऐसी डिसीज़ दैट अफेक्ट्स अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पीपल, जो बहुत ही कम लोगों को अफेक्ट करती है, बिल्कुल सही. एंड इंडिया अ रेयर डिसीज डिफाइंड एज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स फ्यूअर दैन 2000 पीपल, 2000 से लोगों को कम जो इफेक्ट करती है वो रेयर डिसीज़ कहलाती है. ये कथन बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि रेयर डिसीज़ की कोई डेफिनेशन हमारे, रेयर डिसीज़ की कोई लिमिट नहीं है हमारे देश में कि 200,000 है, 2000 है या 20,000 है. बस एक फिनोमिना है, एक थ्योरी है कि ठीक है, एक हाँ कि कुछ बहुत ही कम लोगों को होता है कंपैरिजन टू अदर डिसीज़, इसलिए इसको रेयर डिसीज़ कहा जाता है. इसका मतलब ये भी नहीं है कि और कहीं डेफिनेशन नहीं है. 20-22 लाख तक जो है रेयर डिसीज़ की लिमिट बताई जाती है, और कंट्री में कि 2 लाख से नीचे होगा तो रेयर डिसीज़ होगा. भारत में ऐसी कोई लिमिट नहीं है. रेयर डिसीज़ की सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि इनके लिए दवाइयाँ नहीं होती हैं, वैक्सीन इनके लिए उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, क्योंकि कंपनियाँ जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके वैक्सीन बनाएगी तो उनको खरीदने वाला कौन होगा? कुछ चंद लोग, फ्यू पीपल, तो कंपनी को मुनाफा प्रॉफिट कैसे होगा? तो कंपनी वो बनाएगी क्यों? सरकारों के पास पैसा होता नहीं है, है ना? तो काफ़ी मुश्किलें इनके सामने होती है. हालांकि इसके लिए WHO और जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वे मिलकर काम कर रही है, और मुझे आशा है कि आगे इन पे काफ़ी काम होएगा. रेयर डिसीज़ के एग्जांपल्स आप नेट पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक पढ़ने लायक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारा यहाँ पे करेक्ट है, और 35 बहुत कम लोगों ने जो है इसको करेक्ट किया है, करीब 1000 लोगों में. पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करिएगा. रिविज़न इज़ दी ओनली की टू सक्सेस. रिविज़न करें, कुछ नया मत पढ़िए, ये सब आपके करंट अफेयर्स है जो मैं आपको अपने अचीवाइज पे करंट अफेयर्स में पढ़ा चुका हूँ. PDF आपको इसकी मिल चुकी होंगी, इन सब की, सब में ये इनके बारे में लिखा होगा. आप जिस भी कोचिंग की मैगजीन पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो रिविज़न करिए. रिविज़न करेंगे तो सब हो जाएगा, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डोनेलिया एल्गी. ये एल्गी जो है वो कोनार्क लेक नहीं थी क्या? कोनार्क लेक नहीं थी क्या न्यूज़ में? कोनार्क क्या, सॉरी, लोनार लेक. मुझे कोनार्क टेम्पल याद आ रहा था, लोनार लेक न्यूज़ में नहीं थी, महाराष्ट्र वाली जियो हेरिटेज, है ना? तो जो क्रिक जो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इम्पैक्ट से बनी थी, ठीक है, तो इसमें जो रेड कलर हो गया था ना, पिंक कलर, तो इसकी वजह से हुआ था. और एक और था हेरोशिया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उस बैक्टीरिया का नाम याद नहीं आ रहा, एल्गी का नाम याद नहीं आ रहा. अभी तो ये याद रखिए कि ये जो होता है इसको हाई सेलाइन कंडीशन चाहिए, ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है. पहला स्टेटमेंट अगर आपको पता होगा तो आप जो है सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं और बी आपका टिक हो जाता. पर ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि हाई सेलाइन कंडीशन में रहता है, बी कैरोटीन का कंसंट्रेशन रहता है, और इसकी वजह से ही ऑरेंज और रेड कलर हो जाता है इसका, किसका, एल्गी का, और इसी वजह से पानी भी रेड दिखने लगता है. चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बिल्कुल सही. फाइनेंशियल फैसिलिटी जो मिलेगी उसमें 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन है, 2 करोड़ तक की लिमिट. देखो यार, ऐसा है कि ये फंड जो है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी डिटेल में पढ़ने लायक है. मैं बता तो दूंगा अभी, लेकिन आपके दिमाग में से निकल जाएगा. तो कोशिश ये करिए, इसके बारे में नेट पे सर्च करिए, पढ़ा नहीं है तो पढ़िए, रिविज़न करिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे याद नहीं होने वाली. फंड्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वैसे भी रहते हैं. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस क्वेश्चन पे आया है. चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन. फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट करता है प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280, बिल्कुल सही. चेयरमैन जो होता है वो उन लोगों में आता है जिन लोगों, मतलब उन लोगों से सेलेक्ट किया जाता है जिनको पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस हो. कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है उसका कि जज होना चाहिए या वैसा फाइनेंशियल ऐसा होना चाहिए, नहीं. पब्लिक अफेयर्स में थोड़ा उसको अनुभव, एक्सपीरियंस, एक अच्छा खासा उसका जो है करियर रहना चाहिए उसमें. तो दोनों बातें बिल्कुल सही है, तो दोनों बातें सही हैं. तो इसमें इनकरेक्ट बताना था तो डी ऑप्शन होता कि नाइदर ऑफ देम आर इनकरेक्ट बिकॉज बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. ठीक है, बहुत कम लोगों ने सही किया, हो सकता है लोगों ने इनकरेक्ट पर ध्यान नहीं दिया. तो एक तो सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं कि करेक्ट इनकरेक्ट पे नहीं देखते. खुद से वादा करिए, एक बात मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ. बच्चों देखो, कभी भी क्वेश्चन करो तो ये देखना कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है. 100 के 100 क्वेश्चन में ज़रूर देख लेना, ठीक है. आदत तुमको बार बार प्रैक्टिस करने से ही पड़ेगी, लेकिन खुद से वादा करके जाओ, प्लीज़ करेक्ट इनकरेक्ट ज़रूर देख लेना. ये सिली मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है, ठीक है. याद रखिएगा, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन का पहले देखा करो, फिर क्वेश्चन को सोल्व किया करो. चूज द करेक्ट ऑप्शन.
इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा नहीं डालता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट ऑप्शन, इसलिए मैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन डालता हूँ ताकि सीधे सीधे आपको कम से कम इसकी आदत तो पड़े। द साइट वेयर प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड सबडक्शन जोन। जब प्लेट्स जो होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली जाती है तो सबडक्शन जोन कहते हैं कि उस साइट को। पहला स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा है कि जो लोकेशन होती है जहाँ पे प्लेट सिंक हो जाती है, जहाँ पे मिल जाती है, दो प्लेट अलग नहीं होती, मिल जाती हैं एक दूसरे से, टक्कर हो जाती है, तो उसको स्प्रेडिंग साइट कहते हैं। नहीं, दोनों स्टेटमेंट गलत है, दोनों इंटरचेंज किए हैं। जहाँ पे एक दूसरे से मूव होती है स्प्रेडिंग साइट होती है, जहाँ पे एक दूसरे से सिंक होती है वो सबडक्शन जोन होता है। करेक्ट ऑप्शन बताना था, दोनों करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर डी होता। ठीक है, याद रखिएगा। द टर्म फर्स्ट डिसेंट वॉज इन न्यूज रिसेंटली। फर्स्ट डिसेंट एक साइंटिफिक मिशन है इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ज़्यादा फेमस नहीं है वो, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भूल चुका हूँ। एक आप फर्स्ट डिसेंट UPSC करके जरूर सर्च मारिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वो साइंटिफिक मिशन जो है वो इंडियन ओशन में थोड़ा एक्सप्लोरेशन के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, और हमारे जो इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा बल मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा वेटेज मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी इस मिशन से। और चाइना जिस तरीके से पायरेसी कर रहा है इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, तो वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। अभी आपने सुना होगा गैलगोपोज जो आइसलैंड है, गोलगपोज आइसलैंड इक्वाडोर की तरफ साउथ अमेरिका में, तो वहाँ पे जो है किस तरीके से चाइना पायरेसी कर रहा है, फिशेस को जो है लेके जा रहा है, तो मरीन रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहा है। तो चाइना जो है इंडियन ओशन में भी ऐसा करने से बाज नहीं आएगा, इंडियन ओशन में तो वो करेगा ही, तो इंडियन ओशन को काफ़ी जो है यहाँ पे ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, इसलिए ये मिशन काफ़ी फ़ायदेमंद है और UPSC के लिए पूछा जा सकता है। 21% लोगों ने सही किया, तो काफ़ी न्यूज़ में था, ध्यान रखिएगा। कौन एम्पावर्ड है 10 शेड्यूल के प्रोविजंस को इफेक्ट देने के लिए या फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए? सिंपल सा था, प्रेसाइडिंग ऑफिसर। पढ़ा होगा 10 शेड्यूल में लक्ष्मीकांत में वाले चैप्टर में, तो आपको ये आ जाता। रिविजन करते रहिए, इस चैप्टर को भी पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 10 शेड्यूल के अंदर कौन देता है डिसीजन कि 10 शेड्यूल जो है यहाँ पे कोई MP डिस्क्वालीफाई है कि नहीं है? प्रेसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रेसाइडिंग ऑफिसर इसके तहत जो है देता है, और सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन नहीं कर सकता जब तक पूरा डिसीजन नहीं आ जाता। कोई भी यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो जाता जब तक डिसीजन नहीं आ जाता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन पूरा प्रेसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन हो जाने के बाद। प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी एग्रीमेंट जो होता है किसी भी डिस्ट्रेस कंपनी का डेप्ट रेजोल्यूशन के तहत, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है पहले तो समझिए। प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी एग्रीमेंट क्या होता है? प्री पैक्ड होता है, मान लीजिए यहाँ पे होता क्या है कि प्री पैक, पहले से ही पैक कर देना क्या किसी भी एग्रीमेंट को। कैसे? कोई भी कंपनी डूब रही होती है तो उसको सिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड नहीं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एग्रीमेंट कर लेते हैं, भैया इस तरीके से पूरा एग्रीमेंट होगा, यहाँ यहाँ डेप्ट हम ऐसे चुकाएंगे, इतना पैसा मुझे मिलेगा, इतना पैसा तुझे मिलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं पहले से ही तय हो जाती है, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। बाकी जो छोटे मोटे शेयर होल्डर्स होते हैं उनका क्या? जब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अगर पूरी तरीके से कर लेंगे पूरा एग्रीमेंट इन्वेस्टर्स के साथ, तो ओपन बिडिंग नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, तो इससे क्या होता है कि दिक्कत आ जाती है। हालांकि फास्टर काफ़ी रहता है ये, क्योंकि देखो ओपन बिडिंग जो प्रोसेस होता है ना कभी भी, उसमें ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। जैसे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है वो अलग होता है, ये इसका अपोजिट होता है। इसमें ओपन बिडिंग होती है, ट्रांसपेरेंसी लगती है, और चुपके से कुछ नहीं होता है, क्लोज तरीके से नहीं होता है, सारे शेयर होल्डर्स के साथ मिलके होता है, तो ट्रांसपेरेंसी इसमें होती है लेकिन टाइम लग जाता है, तो दिक्कत आती है कंपनी को। ठीक है, तो फास्टर जो है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी का, फास्ट है। हालांकि इसके डिसएडवांटेज ये है कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ओपन बीडिंग नहीं होती। तो पहला स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन ही हमारे यहाँ पे करेक्ट था, जो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता, तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है, अब यहाँ पे थोड़ा सावधान हो जाइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? फाइनेंस कमीशन एक चेयरपर्सन होगा और 4 मेंबर होंगे इसमें, जो अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है, हाँ। दूसरा है चेयरमैन जो होगा फाइनेंस कमीशन का, वो उन लोगों में से आएगा जिसको पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस हो, अभी अपन ने पढ़ा था। तो स्टेटमेंट तो सही है, पर ऑप्शन इसका एक ही होगा, ठीक है, सही। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रिस्क्राइब करता है क्या? नहीं, क्वालिफिकेशंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है फाइनेंस कमीशन की। 280 आर्टिकल में जाके पढ़िए, उसमें इतना कह रखा है कि 5 मेंबर होंगे, एक चेयरमैन और 4 मेंबर। क्वालिफिकेशंस को पार्लियामेंट पे छोड़ रखा है, पार्लियामेंट क्या बनाए, पार्लियामेंट कैसे जो है कि क्वालिफिकेशन बनाएगा, लॉ बना के। तो बिल्कुल फाइनेंस कमीशन के लिए पार्लियामेंट ने लॉ बना रखा है, अभी पढ़ेंगे उसके लॉ के बारे में, उसमें ही इनकी क्वालिफिकेशन बता रखी है। ठीक है, जितने आगे क्वेश्चन कर लेते हैं।
देखिए रिपोर्ट्स हैं उनके आगे, उनके ऑर्गेनाइजेशन है, और तीनों के तीनों रिपोर्ट्स बिल्कुल जो है करेक्ट है, मैच्ड है। ये क्वेश्चन मैंने किसी की भी जो है नॉलेज चेक करने के लिए नहीं डाला था बिल्कुल, लेकिन मैंने जो है इसलिए डाला था कि ताकि आप लोगों को पता चले कि सेम रिपोर्ट कौन कौन, सेम तरह की दिखने वाली नाम वाली रिपोर्ट्स कौन जो है रिलीज़ करता है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 54% लोगों ने सही किया, काफ़ी अच्छा था। ये देखिए, ये एक्ट है, फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 और फाइनेंस कमीशन रूल्स, इनके तहत ही क्वालिफिकेशंस आपके यहाँ के आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट थ्रूसर प्रोग्राम फेस्टिवल है। ये पहला ऑप्शन है इसके बारे में कि फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल कहलाता है, बिल्कुल सही। फेस्टिवल जो है राजा राम वर्मा का ब्रेन चाइल्ड था, बिल्कुल सही। राजा राम जो वर्मा थे ये दूसरे थे, ठीक है, इनका एक ब्रेन चाइल्ड था, बिल्कुल जो है यहाँ पे ये बात बिल्कुल करेक्ट होती है। माउंट सुपटन वोल्केनो कहाँ फटा था, ये सुलवेसी आइसलैंड में था, बिल्कुल करेक्ट। इंडोनेशिया और सुलवेसी आइसलैंड कहाँ है, इंडोनेशिया में, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। माउंट सपुटन, माउंट एक और माउंट था मुझे याद नहीं आ रहा, माउंट इरापी था, कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा। इंडोनेशिया के तीन माउंटेन न्यूज़ में थे, माउंटेन सुपुटन, माउंट सुपुटन और माउंट इरापी, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा आपको। तो ये काफ़ी न्यूज़ में थे, सुलवेसी आइसलैंड याद रखिएगा इंडोनेशिया में, और यही माउंटेन था ये माउंट सुपुटन। तो दो ये इरप्ट हुआ था रिसेंटली, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट मैग्नेस्थिस, मैग्नेस्थिस आया था ना, ये आया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, मैग्नेस्थिस आया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ग्रीस से आया था। ये पहला फर्स्ट इनवॉय था, बिल्कुल सही। इसने बुक लिखी थी इंडिका जो बिंदुसारा का राइन बताता है, कैसे बिंदुसारा के टाइम पे तो आया ही नहीं था ना ये, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताएगा। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ग्रीक से आया था, बिल्कुल सही। तो पहला और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, बाकी गलत है। तो ध्यान रखिएगा, मैग्नेस्थिस चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, ग्रीस में, ग्रीस से आया था, और 300 BC के करीब ये आया था। और ध्यान रखिएगा कि सेलेकस जो निकेटर था सीरिया का जो राजा था उसका एम्बेसडर था, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था ये, इंडिका बुक लिखी थी और पहला फॉरेन इन्वॉय था, ठीक है। बिंदुसारा के नाम पे डिमाचस आया था, डेमाचस आया था बिंदुसारा के टाइम पे, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे कौन आया था, फाहेन चाइना से। हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था चाइना से, हुएत्सुआंग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम ओरिजिनली कॉल्ड एज मोक्षपत, मोक्षपत गेम किसे कहते थे, पहले सांप सीढ़ी वाला गेम नहीं होता उसको पहले मोक्षपत कहते थे, ठीक है। लीलावती को ट्रांस, अरे अच्छा 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 15 सितंबर पे आ गए अपन, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो इसको अपन कल करेंगे, एक एक डे धीरे धीरे चलेंगे, वरना इन्फॉर्मेशन आप भूल जाओगे। तो अभी तक जो पढ़ा है उसको याद रखिए और अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। जब तक धन्यवाद, बाय।